सहजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो मॉर्निंग न्यूज में आज जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के रूप में जानी जाने वाली कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव आज यानी 24 अक्टूबर को होना है। बता दें, चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज यानी 24 अक्टूबर को सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। बता दें, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोनिया विहार में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। चक्रधरपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने को तैयार डॉक्टर विजय सिंह गागराई आज यानी 24 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस दौरान एक जुलूस की शक्ल में नामांकन में आम लोग शामिल होंगे। सीकर में दीपावली मेंटेनेंस के चलते शहर में अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। बता दें कि आज यानी 24 अक्टूबर को शहर में ढाका की ढाड़ी फीडर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इस दौरान 3 घंटे तक बिजली कटौती होगी। कानपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव आज यानी 24 अक्टूबर को डीएवी कॉलेज में होना है। बता दें, जिसको लेकर यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन किया है। डायवर्जन आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा में सहायक आचार्य के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें, इसके लिए आज यानी 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। श्री माधोपुर में कौमी एकता के प्रतीक दरगाह पीर नूर मोहम्मद खान पठान का सालाना 22वां उर्स आज यानी 24 अक्टूबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बता दें, दरगाह सेवक लक्ष्मण राम सैनी ने बताया कि शाम 4 बजे चादर जुलूस गंगा माता मंदिर से शुरू होकर दरगाह पहुंचेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार व SDM मनीष कुमार फोगाट के मार्गदर्शन में आज यानी 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सफीदों के सहायक रोजगार अधिकारी कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन होगा। बता दें कि रोजगार मेले में सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के पदों के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। विश्नोई धर्म स्थापना के 540वें दिवस के अवसर पर गुरु जम्भेश्वर भगवान की तपोस्थली मुकाम में बीकानेर जिला धर्मशाला एवं गुरु जम्भेश्वर सेवा दल संस्थान मुक्तिधाम मुकाम का भव्य उद्घाटन आज यानी 24 अक्टूबर 2024 को होगा। आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान डाना का असर बिहार में देखने को मिल सकता है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानेंगे आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1605 में आज के दिन मुगल शासक जहांगीर ने आगरा में गद्दी संभाली थी। साल 1946 में आज के दिन रॉकेट द्वारा पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया था। साल 1972 में आज के दिन हिंदी फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म हुआ था। साल 1982 में आज के दिन सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। साल 2000 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक सीताराम केसरी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।